नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि असेंबली और असेंबलर में क्या डिफरेंस है। हाँ जी फ्रेंड्स, और ये आपके यूजीसी नेट एग्ज़ाम के पेपर फर्स्ट के अंतर्गत आएगा, जो कि आईसीटी का पार्ट है और ये पेपर सभी के लिए कॉमन है। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए, हमने अपने YouTube पोस्ट पे एक डाला था क्वेश्चन और आप सभी ने आंसर दिया, अच्छा लगा हमें। तो देखिए, हम अब इसको डिटेल में बताएंगे थोड़ा कि असेंबली और असेंबलर होते क्या हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि असेंबली है क्या। देखिए, फ़र्क ये है कि असेंबली जो होता है ये आपका क्या होता है, ये लैंग्वेज होता है। ओके, यानी कि जैसे C++, सी या जावा, जो एक लैंग्वेज होते हैं कंप्यूटर के। ओके, वैसे ही जो असेंबली है ये भी आपका एक लैंग्वेज होता है। ओके, और असेंबलर क्या होता है अब बताते हैं। देखिए, असेंबलर जो होता है ये होता है एक प्रोग्राम। ओके, ये होता है एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो कि असेंबली, जो कि असेंबली लैंग्वेज है, असेंबली भाषा है आपका, इसको कन्वर्ट करता है किसमें, आपके मशीनी भाषा में। ओके, यानी कि मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है जो कि आपका कंप्यूटर समझता है। हम सबसे पहले जानेंगे असेंबली भाषा को। देखिए, असेंबली भाषा का निर्माण तब हुआ जब कंप्यूटर का हार्डवेयर, यानी कि जो मशीन थे, हमारी भाषा को नहीं समझ पाते थे और अभी भी नहीं समझ पाते हैं। तो हमें नीड हुई क्या कि कंप्यूटर समझता है ओनली बाइनरी लैंग्वेज को, यानी कि 0 और 1, इसी फॉर्मेट को वो अपनी भाषा मानता है और इसी को वो समझता है। इसके अलावा वो भाषा को नहीं मानता है, इसीलिए हमें एक ऐसी भाषा यानी कि लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ी जिसके माध्यम से हम अपनी बातों को कंप्यूटर के हार्डवेयर तक पहुंचाएं और कंप्यूटर रन करें, उसका फंक्शन सही रूप से काम करे, हमारी जैसी की नीड हो। तो सबसे पहले निर्माण हुआ असेंबली भाषा का, क्योंकि हमें कंप्यूटर के भाषा में लिखना बहुत ही क्रिटिकल पड़ रहा था, क्योंकि 0 1 के फॉर्मेट में कितने 0 आएंगे और कितने 1 आएंगे, किस चीज़ को वो क्या समझता है, इसको याद रखना और लिखना बहुत ही क्रिटिकल था। तो असेंबली जो लैंग्वेज था उसका निर्माण हुआ जिसमें हम अपनी बातों को नेमोनिक, जो बोलते हैं नेमोनिक कोड में लिखते हैं, जो कि आसान था लिखना। तो हमें असेंबली लैंग्वेज का निर्माण करना पड़ा और असेंबली लैंग्वेज में हम अपनी बातों को लिखते थे, यानी कि नेमोनिक कोड में एंटर करते थे और हम अपनी बातों को पहुंचाते थे कहाँ, असेंबलर तक। यानी असेंबलर जो है असेंबली भाषा को कंप्यूटर की भाषा में परिवर्तन कर देता है, यानी कि 0 1 में ट्रांसलेट कर देता है। तो यही चीज़ था फ्रेंड्स कि असेंबलर एक प्रोग्राम था। ओके, इसका निर्माण किया गया असेंबली भाषा को किसमें, कंप्यूटर के हार्डवेयर की भाषा में परिवर्तन करना या ट्रांसलेट करना। तो असेंबली जो होता है ये लो लेवल लैंग्वेज होता है। ओके, ये निम्न स्तरीय भाषा होती है, ये भी आपको याद रखना है। और इसमें लिखी हुई सूचनाओं को नेमोनिक कोड, ओके, नेमोनिक कोड के माध्यम से हम असेंबलर तक पहुंचाते हैं। और असेंबलर क्या करता है, आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर तक पहुंचाता है, कंप्यूटर सही से रन करता है। तो अब आपको याद हो गया होगा कि असेंबली एक निम्न स्तरीय यानी कि लो लेवल का लैंग्वेज यानी कि भाषा है, और असेंबलर एक कंप्यूटर का प्रोग्राम है जो कि असेंबली भाषा को कन्वर्ट करता है कंप्यूटर के हार्डवेयर को समझने लायक वर्ड में, यानी कि उसकी भाषा में, और उसकी भाषा है बाइनरी यानी कि 0 और 1। तो फ्रेंड्स, देखिए यही था डिफरेंस।
असेंबली और असेंबलर में। तो ऐसे भी आगे भी हम आपको और भी वीडियो के माध्यम से और भी टॉपिक को कवर कराएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, जब तक कि नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट नहीं लाते हैं, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल, और आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।